दोस्तों ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में ही आपने देखा होगा कि हॉरर मूवीज़ बनते बनते कॉमेडी मूवी बन जाती है, यानी कि हॉरर मूवीज़ की स्टार्टिंग तो बड़ी ही खतरनाक तरीके से होती है, लेकिन इसके एंड तक जाते जाते ये पूरी की पूरी मूवी कॉमेडी मूवी में कन्वर्ट हो जाती है। डायरेक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है कि वो जब भी कोशिश कर रहे होते हैं कोई हॉरर मूवीज़ बनाने की और लोगों को डराने की, तो ये मूवी कन्वर्ट हो जाती है कॉमेडी मूवी में और लोग थिएटर से हंसते हंसते बाहर निकलते हैं। लेकिन इसका भी एक अच्छा खासा तोड़ निकाल लिया है हॉलीवुड के डायरेक्टर ने। वो सोच रहे हैं हॉरर मूवीज को ही क्यों ना कॉमेडी मूवी बना दिया जाए, ताकि हॉरर मूवीज के नाम से ही कुछ लोगों की फट जाए और जब इस मूवी को देखने आए तो वो अच्छा खासा कॉमेडी लेकर घर जाए। तो दोस्तों आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसकी भी कॉन्सेप्ट आपको कुछ ऐसे ही लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ डेड बॉय डिटेक्टिव सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और इसकी हर एक एपिसोड लगभग 46 से 50 मिनट की है, यानी कि यह सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। सीरीज चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। दोस्तों यूं तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसकी स्टोरी एक लाइन में भी खत्म की जा सकती है, यानी कि दो ऐसे लड़के जो कि 16 साल की उम्र में मारे जा चुके होते हैं और ये मरने के बाद बहुत सारे भूतिया रहस्य सुलझाने का काम कर रहे होते हैं और इनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि वो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। और कंप्लीट सीरीज में, यानी कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको नए नए केसेस नजर आएंगे और इन केसेस को ये छोकरे किस तरह कंप्लीट करते हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ साथ एक अच्छी खासी फैंटेसी वर्ल्ड को भी दिखाई गई है, यानी कि एक ऐसी वर्ल्ड जिसके बारे में कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है। इसकी कहानी की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जितने भी कहानियां दिखाई गई हैं, यानी कि जितने भी भूतिया केसेस दिखाए गए हैं, वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा यूनिक है, यानी कि हर एक केस आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इस सीरीज को देखते वक्त थोड़ा बहुत पेशेंस आप जरूर रखिए, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो कि थोड़ी स्लो चलने वाली है और इन एपिसोड्स में आपको ऐसा भी लग सकता है चलो हम इस एपिसोड को स्किप कर देते हैं, लेकिन दोस्तों एपिसोड प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में एक नई स्टोरी दिखाई गई है जो कि काफी हद तक डिफरेंट बनाई गई है। तो दोस्तों ये दो छपरी जो कि 16 साल की उम्र में मारे जाते हैं और ये दोनों ही भूतिया वर्ल्ड के अजीबोगरीब केसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं, इसी बीच एक लड़की भी ज्वाइन कर लेती है जिसके पास कुछ अजीबोगरीब शक्तियां होती है, यानी कि वो किसी को अगर छू ले तो उसका दर्द महसूस कर लेती है, उसके अतीत और वर्तमान सभी चीजें वो जान जाती है और ये तीनों ही मिलकर एक अपनी ही दुनिया बना लेते हैं। आप ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में कि ये तीनों ही मिलकर एक भूतिया जासूसी दुनिया बना लेते हैं और ये सभी वो भूतिया केसेस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं जो कि सालों से पेंडिंग पड़ी हुई रहती है। तो दोस्तों मैं तो बोलूंगा कि इसे हमारे यहाँ भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे भूतिया केसेस हैं जो कि सिर्फ हमारी कंचना ही सॉल्व कर रही है। कंचना के ऊपर थोड़ा लोड कम पड़ जाए, इसीलिए हमें इन तीनों को भी इन्वाइट कर लेना चाहिए ताकि कंचना भी हमारे बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर सके। वहां के भूतों को तो आप लाठी से भी मार के भगा सकते हैं, लेकिन हिम्मत है कि हमारे भूतों को आप लाठी मार दे, लाठी ही टूट जाएगी साथ ही साथ आपकी कमर भी। तो दोस्तों साइड ट्रैक को छोड़कर अब आते हैं हमारे सीरीज की ट्रैक पर। दोस्तों सीरीज की स्टोरी आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी, सीरीज अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.7 स्टार। सीरीज की स्टोरी यूं तो काफी हद तक अच्छी और डिफरेंट जरूर है, लेकिन सीरीज में कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा उबासी देने वाले होंगे, यानी कि आपको अच्छा खासा बोर करने वाले होंगे। इन एपिसोड्स को अगर छोटा कर दिया जाता तो हो सकती थी कि ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इस सीरीज को जब आप देख रहे होंगे और इसकी कुछ एपिसोड्स ऐसी आपको लगने वाली होगी कि सदियां बीत जा रही हैं फिर भी ये एपिसोड्स खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों इस सीरीज में अच्छा खासा सरप्राइज मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन भी काफी हद तक अच्छी ही है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज आप जरूर देखिए, लेकिन दोस्तों अगर आपकी भूतों से फटती है तो इस सीरीज को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको डर नाम का कोई चीज ही नजर नहीं आने वाला होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे भूत नजर आने वाले होंगे, लेकिन ये सभी भूत बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।